एपिसोड की स्टार्टिंग में साइतामा और किंग गेम खेल रहे होते हैं। साइतामा का प्लेयर किंग के प्लेयर की एचपी ऑलमोस्ट वन कर देता है। साइतामा बहुत खुश हो रहा होता है। फिर किंग साइतामा के प्लेयर को एक बार में हरा देता है। वो बार बार खेलते रहते हैं पर साइतामा हारता रहता है। साइतामा गुस्से में कहता है, ये बकवास गेम है। और उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके दिमाग में और कोई शब्द नहीं आए। फिर साइतामा लेटा होता है और उसे कुछ मिलता है। वो किंग से पूछता है, ये क्या है? किंग कहता है, ओ ये तो हीरो एसोसिएशन ने बहुत सारे हीरोज़ को दिया है। इसी की मदद से बैकअप बुलवाया जा सकता है और मॉन्स्टर्स की लोकेशन भी शेयर कर सकते हो। साइतामा कहता है, मुझे नहीं मिला। किंग कहता है, शायद उन्हें ये पता चल गया होगा कि तुम्हें ये यूज़ करने में मुश्किल आएगी। फिर साइतामा दोबारा गेम खेलने लगता है। सीन चेंज होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप में ऐसे 78.7% लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो अगर आप हमारी वीडियो देखते हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो यार, जाता ही क्या है, आपको सिर्फ उस रेड बटन को ग्रे ही तो करना है। इससे आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। बाकी अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हीरो एसोसिएशन में मॉन्स्टर बना स्टाफ मेंबर कह रहा होता है, हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन से मैसेज मिला है। हीरो एसोसिएशन के लोग घबराए होते हैं और वो हीरोज को बुलाते हैं। एक स्टाफ मेंबर कहता है, क्या मैं इसे शूट कर दूं? सिज कहता है, रुको मैसेज तो सुनने दो। फिर मॉन्स्टर बने स्टाफ के जरिए गेरो गेरो कहता है, हीरो एसोसिएशन मिल के अच्छा लगा, मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन का डायरेक्टर हूँ गेरो गेरो। हमारे पास तुम्हारे हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव का बेटा है। हमारी एक ही डिमांड है, हम परेशान हो गए हैं अप्रेस्ड रह के, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मॉन्स्टर्स हैं। अभी हम सिटी जेड के अबेंडेड एरिया में छिपे हुए हैं। हम भी आउटसाइड वर्ल्ड में जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच की लड़ाई ख़त्म हो जाए। हम इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे पर बदले में हम चाहते हैं कि तुम हमें रहने के लिए सेफ प्लेस दो। हम एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहाँ इंसान और मॉन्स्टर्स साथ रह सके। सिच कहता है, फिर तुम लोगों ने इतना आतंक क्यों मचाया? गेरो गेरो कहता है, अपनी ताकत दिखाकर हम ये समझाना चाहते थे कि हमारा प्रपोजल कितना बड़ा है। मुझे यकीन है कि हम में से कोई भी और तबाही नहीं चाहता। एक स्टाफ मेंबर कहता है, ठीक है मैं वादा करता हूँ कि अब से मॉन्स्टर एसोसिएशन पर कोई हमला नहीं होगा, अब जल्दी से होस्टेज को छोड़ दो। अचानक होस्ट उस स्टाफ मेंबर को शूट कर देता है और कहता है, उप्स उंगलियाँ फिसल गई। गेरो गेरो पैरासाइट मॉन्स्टर से कहता है, हम अभी भी बातचीत कर रहे थे। सिज कहता है, क्या तुम सच में बातचीत करने आए थे? गेरो गेरो कहता है, बड़े लोगों को ट्रिक करने में बहुत मज़ा आता है, ह्यूमंस एंड मॉन्स्टर्स साथ में, ये सच में अब तक का मेरा बेस्ट प्रैंक था। तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया, बहुत बेवकूफ़ हो। सिज कहता है, तुम होस्टेस के साथ क्या करोगे? ये मत कहना कि तुमने उसे। गेरो गेरो कहता है, वो अभी भी जिंदा है, हमने होस्टेज लिया ये पक्का करने के लिए ताकि तुम डरपोक पीछे ना हट सको। हम तुम्हें बस 3 दिन दे रहे हैं, इतने समय में अपने बेस्ट हीरोज को इकट्ठा करो और उस बच्चे को बचाने आओ। लॉर्ड ओरिची और मॉन्स्टर एसोसिएशन के मेंबर्स तुम लोगों का इंतजार करेंगे। फिर वो फट जाता है जिसके जरिए गेरो गेरो बात कर रहा होता है। एक लेडी कहती है, क्या वो फट गया? एक आदमी कहता है, पर एक अभी भी बचा है, हीरोज़ क्या कर रहे हैं? पैरासाइट मॉन्स्टर्स गन निकालता है और सब पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वहाँ क्लासेस रैंक 11 ब्लैक क्लस्टर आज सबको बचा लेता है और कहता है, एमरजेंसी क्या थी? एक आदमी कहता है, ओ अच्छा हुआ ब्लैक क्लस्टर जो हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी के लिए तुम हो। सिज कहता है, नहीं ये ख़त्म नहीं हुआ, वो पैरासाइट ब्लैक क्लस्टर में घुसने की कोशिश करता है पर उसके शरीर में छेद नहीं कर पाता। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, यह लिविंग टिश्यू ही है ना। ब्लैक क्लस्टर उसे पकड़ के कहता है, सब जानते हैं कि एक मजबूत शरीर के आगे स्टील किसी काम का नहीं। हीरो एसोसिएशन के सारे स्टाफ्स बहुत परेशान होते हैं। ब्लैक क्लस्टर अपने मन में कहता है, मॉन्स्टर्स के हमलों की वजह से एग्जीक्यूटिव बहुत परेशान है, मुझे कुछ करना चाहिए। फिर ब्लैक क्लस्टर उन सबसे कहता है, देखो मुझे, क्या इन मसल्स को देखकर तुम शांत नहीं हुए? हम भी ताकतवर हैं उनकी तरह, लगता है वो समय आ गया है मेरे चमकने का। सीन चेंज होता है। मॉन्स्टर्स डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं इसलिए होस्टेज पॉइंटलेस है। गेरो गेरो कहता है, बोल्डनेस अच्छा है पर एक ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ
रश करना जिसमें कमियां भरी हों ये अच्छा नहीं। हीरो एसोसिएशन में भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, अगर हमने उन्हें जाने दिया तो बाद में दिक्कत होगी, तो हम उन्हें बुलाएंगे और अपनी पूरी ताकत के साथ ख़त्म कर देंगे। वो बच्चा तो चाह रहा है, एक बार हमने उनके सबसे ताकतवर फाइटर को मार दिया तब हम किसी को भी मार पाएंगे, इंसानी सभ्यता ख़त्म हो जाएगी, हम जीत जाएंगे और लॉर्ड ओरोचि सबसे सुप्रीम बनेंगे और एक नई दुनिया जहां मॉन्स्टर्स का राज होगा। क्या हुआ, मैं तालियों की उम्मीद कर रहा था। क्या तुम लोगों को लॉर्ड ओरोचि का किंग बनने का आइडिया पसंद नहीं आया? एक मॉन्स्टर कहता है, मैंने सोचा था कि हम हीरो एसोसिएशन को तबाह करने के लिए यहाँ आए हैं। लॉर्ड ओरोचि कहता है, एक मिनट, हमारे बीच ये कमज़ोर क्या कर रहा है? ओरोचि कॉकरोच मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। गेरो गेरो कहता है, हारने के बाद भी आने की हिम्मत कर रहे हो? कॉकरोच मॉन्स्टर कहता है, रुको, मैंने बस अपने पैर खोए हैं, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। ओरोचि उस मॉन्स्टर को खा लेता है। सुपरस कहती है, मुझे कोई चोट नहीं आई, मैं हारी नहीं। गेरो गेरो कहता है, वैसे इस पर अच्छे स्किल्स हैं, इसे जीने देना वर्थ होगा। ओरोचि कहता है, ठीक है, पर अगली बार नहीं छोड़ूंगा। गेरो गेरो कहता है, हाँ ठीक है, तो जिसको भी लॉर्ड ओरोचि से प्रॉब्लम है वो हीरोज़ को हराने के बाद उन्हें चैलेंज कर सकता है और अगर जीते तो नया बॉस बन सकता है। ओरोचि कहता है, बाय द वे गेरो गेरो, मुझे गोकेत्सु दिखाई नहीं दे रहा। गेरो गेरो कहता है, मैं चेक करने गया था और मैंने देखा वो मारा जा चुका है, आखिर किसने किया होगा ये? सीन चेंज होता है, गारो की आँख खुलती है, वो कहता है, मैं कहाँ हूँ, क्या मैं हार गया? अच्छा किंग, चलो अब मुझे छिपने के अड्डे पर चले जाना चाहिए। तभी गारो की नज़र एक हीरो डेथ गैटलिंग पर पड़ती है। गारो अपने मन में कहता है, इसमें कोई शक नहीं, ये डेथ गैटलिंग है, पर किंग ने मेरी बुरी हालत कर दी है, मेरा शरीर अपनी लिमिट पर है, आज के लिए जाने देता हूँ। डेथ गैटलिंग की नज़र गारो पर पड़ चुकी होती है। सीन चेंज होता है, कुसेनो कह रहा होता है, इससे बात बन जाएगी, कैसा लग रहा है जेनोस, हर चीज़ ठीक से काम तो कर रही है ना? जेनोस कहता है, हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, परेशानी के लिए माफ़ी चाहूँगा डॉक्टर। कुसिनो कहता है, खैर तुम जल्द से जल्द वापस लड़ने जाना चाहते हो तो मैंने कुछ सिंपल मॉडिफिकेशन करी है, पर अपग्रेड से तुम और ज़्यादा ताकतवर हो। जेनोस कहता है, समझ गया, मैं दोबारा नहीं आने वाला। कुसिनो कहता है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं कि तुम कई बार हारते हो, पर सिर्फ तब तक जब तक तुम जिंदा हो। कल तुम्हें देखकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए, एक समय जब मैं इंसाफ के पैशन के साथ जलता था और बिना किसी डर के कहीं भी दौड़ पड़ता। जेनोस कुछ भी जल्दबाजी में मत करना। सीन चेंज होता है, हर तरफ मॉन्स्टर एसोसिएशन और जो हीरो एसोसिएशन में हुआ उसके बारे में बातें चल रही होती हैं। हॉस्पिटल में मेटल बैट और उसकी बहन न्यूज़ में देख रहे होते हैं। सॉरफेस एंड कुछ टूर्नामेंट फाइटर्स भी न्यूज़ देख रहे होते हैं। मैक्स कहता है, ये दो एसोसिएशन के बीच की जंग है। सॉरफेस कहता है, तो ये एक वॉर है? अरे नहीं, ये मॉन्स्टर एसोसिएशन और उनकी गंदी चालें। लेडी फाइटर कहती है, अगर हीरोज हार गए तो हमारे साथ क्या होगा? मैक्स कहता है, ये मानना मुश्किल है, पर फिर हम पावरलेस हो जाएंगे। लेडी फाइटर कहती है, वो जी सकते हैं ना, मेरा मतलब हीरोज। सीन चेंज होता है, चाइल्ड एम्परर कह रहा होता है, तुम्हारा क्या मतलब कि तुम हमारा प्लान ज्वाइन नहीं कर रहे? मेटल नाइट कहता है, तुम्हें पता भी है कि सिचुएशन क्या है, अगर हम लड़ने जाएंगे तो ये हमारी मुश्किलें और बढ़ाएगा, रिसोर्सेज सेक्रीफाइस करना वो भी फालतू में, इसका कोई सेंस नहीं बनता। चाइल्ड एम्परर कहता है, ये एक्सक्यूजेस देने का टाइम नहीं, उन्होंने एक होस्टेज ले लिया है। मेटल नाइट कहता है, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी जैसी सोच चीज़ों को और बेकार कर देगी, जब हम दुश्मनों का एग्जैक्ट अड्डा खोज लेंगे तब हमें होस्टेज को बचाने की बजाय तुरंत बॉम्ब्स गिराने शुरू करने चाहिए। मैंने ये प्लान काउंसिल को बताया पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लगता है वो अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रख रहे हैं, और अगर ऐसी बात है तो मैं करंट प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहता। चाइल्ड एम्परर अपने मन में कहता है, तो ये सब कुछ अपने तरीके से करना चाहता है। सीन चेंज होता है, हीरो एसोसिएशन में मीटिंग हो रही होती है। एग्जीक्यूटिव गर्ल कहती है, पूरी दुनिया हमारे अगले मूव का इंतजार कर रही है। एक बुड्ढा कहता है, प्रेस तक ये बात लीक होना कोई छोटी बात नहीं। सेकिंगर कहता है, अब पब्लिक को हमारे फेलर के बारे में पता है, हमें जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। सीन चेंज होता है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स न्यूज़ देखने के बाद मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ जा रहे होते हैं।
पर फिर हमें दिखाया जाता है कि सबके सब मारे जा चुके हैं और उन्हें साइतामा ने मारा है। वो कहता है बहुत ज़्यादा ही मॉन्स्टर्स आ रहे हैं आजकल, पर सबसे ज़रूरी गार्बेज ट्रक आने ही वाला होगा। सीन चेंज होता है, जंगल में चार बच्चे बात कर रहे होते हैं कि उनके सीक्रेट बेस में कोई है। फिर एक बच्चा उस बच्चे से कहता है, गारो जिससे मिलता रहता है, कि तायरो जाओ देख कर आओ, उस पर चिल्लाओ और भगा दो। तारियू कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर एक बच्चा तारियू के सर पर मारते हुए कहता है चुप करो और जाओ। उनके सीक्रेट बेस में गारो सो रहा होता है। गारो अपने मन में कहता है बुखार तो कमी नहीं हो रहा, लगता है मैं 2-3 दिन तक कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी गारो अचानक उठ के कहता है कौन है। वहाँ तारियू होता है जो कि घबराया होता है। गारो कहता है तुम क्या करना चाहते हो। तारियू रोते रोते कहता है ये शेक हमारा सीक्रेट बेस है। गारो कहता है अरे तुम वही हीरो एलमेनक वाले बच्चे। तारियू कहता है ये आप हैं मिस्टर। गारो कहता है मैंने कहा है मुझे मिस्टर कहना बंद करो, वैसे तुम यहाँ क्यों हो। तारियू कहता है मैं चाहता हूँ आप ये शेक छोड़ दें प्लीज। गारो कहता है तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो पर क्यों। तारियू कहता है सबने कहा मुझे आपसे ऐसा कहने को। गारो कहता है तुम्हारे दोस्तों ने, उन्हें जाने के लिए कह दो। तारियू रोने लगता है। गारो कहता है रोना बंद करो ये अनॉइंग है। तारियू जोर जोर से रोने लगता है। गारो कहता है अच्छा ठीक है मैं जल्द ही कहीं और चला जाऊंगा, अगर उन्हें इससे ज़्यादा दिक्कत है तो अपने दोस्तों को अंदर बुलाओ, समझे छोटे बच्चे। तारियू कहता है हाँ समझ गया। गारो कहता है कुछ अच्छी एडवाइस चाहिए दूसरों से रिस्पेक्ट लेने के बारे में। तारियो कहता है हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तारियो के दोस्त बाहर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी वहाँ डेथ गैटलिंग आता है और बच्चों को जाने को कहता है। बच्चे कई हीरोज़ को देखकर खुश हो रहे होते हैं। स्माइल मैन डेथ गैटलिंग से कहता है घायल हीरो हंटर उस शेक में है ना। डेथ गैटलिंग कहता है हाँ। फिर वो अपने मन में कहता है हीरो हंटर आज तुम्हारा दिन है हंट होने का। फिर वो बच्चे एक हीरो से पूछते हैं एक्सक्यूज मी क्या अंदर कुछ है। वो हीरो कहता है अंदर शैक में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है, जल्दी से यहाँ से निकलो। वो बच्चे भागने लगते हैं और कहते हैं अरे नहीं हमने तारियो को अकेले अंदर भेज दिया, पर हीरोज यहाँ हैं वो ठीक ही होगा। शैक के अंदर गारो कह रहा होता है अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए और कभी भी बॉस नहीं होना तो तुम्हें ताकतवर बनना होगा। बहुत बढ़िया एडवाइस है ना। तारियो कहता है नहीं ये तो ऑब्वियस है। गारो कहता है हाँ बिल्कुल ये ऑब्वियस है तो तुम भी समझते हो। फिर गारो हंसते हुए कहता है हंसने से दर्द और बढ़ रहा है। तारियो कहता है क्या आप ठीक हैं मिस्टर। गारो कहता है मेरी चिंता मत करो तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तारियो दरवाज़ा खोलने लगता है। स्माइल मैन कहता है दरवाज़ा खुल रहा है। डेथ गैटलिंग कहता है जैसे ही वो दिखे हमला कर देना। तभी गारो को महसूस होता है कि उसे कई हीरोज ने घेर लिया है। वो तारियो को रोकता है और कहता है गुड एडवाइस के बदले मुझे हीरो एलमेनक देखने दो। तारियो कहता है मेरे पास है तो पर क्यों। गारो कहता है मुझे देखना है। फिर तारियो बुक निकालते हुए कहता है ठीक है ये लो। गारो बुक लेके कहता है इस हीरो एलमेनक में हीरोज की अच्छी जानकारी है ना। तारियो कहता है हाँ पर सभी की नहीं। फिर गारो अपनी उंगली से दीवार में छेद करके बाहर हीरोज को देखता है। क्लास ए रैंक 8 डेथ गैटलिंग, क्लास ए रैंक 10 स्टिंगर, क्लास ए रैंक 27 स्माइल मैन, क्लास बी रैंक 6 वाइल्ड हॉर्न, क्लास बी रैंक 21 मैगेन, क्लास ए रैंक 36 चेन टोड, क्लास बी रैंक 43 ब्लम ब्लम, क्लास बी रैंक 99 शूटर। गारो अपने मन में कहता है ये टोटल 8 हैं, नॉर्मली मैं इन सबको आसानी से हरा देता पर इस हालत में नहीं, लकीली इस बुक में बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। तभी बाहर से गोलियों के चलने की आवाज़ आती है। तारियो डर जाता है और कहता है मिस्टर कोई बाहर है। गारो कहता है चुप रहो कुछ मत बोलो। गारो जल्दी जल्दी हीरो बुक पढ़ रहा होता है। डेथ गैटलिंग कहता है बाहर आ जाओ हीरो हंटर, हमें पता है तुम अंदर हो। गारो तारियो को बुक वापस करते हुए कहता है बच्चे ज़मीन पर नीचे हो जाओ। गारो डेथ गैटलिंग से कहता है ठीक है मैं बाहर आ रहा हूँ शूट मत करना। फिर गारो बाहर आ जाता है और कहता है मुझ पर एक एहसान करना इस शेक को शूट मत करना। स्टिंगर कहता है अच्छा तो तुम सरेंडर कर रहे हो।
गारो कहता है, बेवकूफ मत बनो, मुझे बस ये जगह चाहिए ताकि तुम लोगों का शिकार करने के बाद मैं चैन से यहाँ आके सो सकूं। वाइल्ड हॉर्न कहता है, हमारा शिकार करने के बाद क्या कहा? डेथ गैटलिंग वाइल्ड हॉर्न से कहता है, उसके ताने में मत पड़ो वाइल्ड हॉर्न। फिर डेथ गैटलिंग गारो से कहता है, तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, हम तुम्हें जिंदा पकड़ेंगे और हीरो एसोसिएशन लेके जाएंगे और फिर तुम हमें अपने मोटिव्स बताओगे। गारो कहता है, तुम सच्ची एक हीरो हो जो मुझे नहीं मानने वाले। शैक के अंदर से तारो कहता है, वाओ हीरोज और ये तगड़े वाले हैं। डेथ गैटलिंग गारो से कहता है, तुम आसानी से नहीं बचने वाले। वायलोन कहता है, और तुम्हें पछतावा होगा खुद को मॉन्स्टर बुलाने का। गारो कहता है, लगता है तुमने उल्टा बोल दिया, तुम लोगों को पछतावा होगा खुद को हीरोज कहने का। फिर गारो शैक के ऊपर जंप करके चढ़ जाता है और चिल्लाता है, ये है शिकार का वक्त और तुम लोग तो गए। शूटर कहता है, ये तुम्हारा अंत है गारो, और वो गन्स चलाने लगता है। गारो बचकर उस पर जंप करता है लेकिन स्टिंगर हमला कर देता है, पर गारो बच ही जाता है थोड़ी सी चोट के साथ। स्टिंगर अपने मन में कहता है, वो बच गया, अमेजिंग। गारो अपने मन में कहता है, वो बहुत पास था, ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो मुझे जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आसमान से एरो रेन अटैक गारो पर होता है, गारो बचता है। ब्लम कहता है, उसे कैसे पता चला? एरो रेन मेरी सीक्रेट टेक्निक है। गारो अपने मन में कहता है, ये पॉइजन एरोस थे, अच्छा हुआ मैंने वो हीरो बुक पढ़ ली थी। शैक के अंदर तारेओ कह रहा होता है, हीरोज आपके पीछे क्यों पड़े हैं मिस्टर? चैन डोट कहता है, हम इतने सारे और ऊपर से उसकी हालत भी ठीक नहीं, क्या हीरो हंटर सिर्फ एक बेवकूफ है जो पीछे नहीं हट रहा? मैगेन कहता है, टैंक टॉप मास्टर और मेटल बैट दोनों ही बुरी तरह पिटे थे, याद करो हमने गारो के बारे में क्या डिस्कस करा था। चैन टूट कहता है, कभी भी उसे कम मत समझना, ठीक है मैं अपनी पूरी ताकत यूज करूंगा। चैन टूट गारो पर हमला कर देता है लेकिन गारो बचता है, पर पीछे से उस पर वाइल्ड हॉर्न हमला करता है और शूटर गारो के पैर पर गन चला देता है। स्टिंगर भी गारो पर हमला करता है, गारो बचता है, पर साइड से उस पर चैन टूट हमला करता है और स्माइल मैन भी। स्माइल मैन कहता है, मैं मान सकता हूँ कि वो सिल्वर फैंग का टॉप शिष्य था। चैन टोट कहता है, हाँ और वो कोई बेवकूफ भी नहीं, उसके सेंसेस बहुत शार्प हैं। गारो सबके हमलों को एनालाइज कर बच रहा होता है, पर दो तीर उसको लग जाते हैं। गारो अपने मन में कहता है, शूटर और ब्लम कहीं भी मुझे शूट कर सकते हैं। डेथ गैटलिंग सामने खड़ा है और ये मैगन अब तक कर कह रहा है। मैगन ब्लम को उसके तीर देता है। गारो अपने मन में कहता है, तो ये सपोर्ट के लिए है, तभी ये अपनी दूरी बना के रख रहा है मेरे से, अगर ऐसा है तो मैं उसे अपनी ढाल के तौर पर यूज़ करूँगा। इतने में ही गारो मैगन पर हमला करने बढ़ता है, पर मैगन जंप करके बचता है और गारो के पीछे शूटर होता है। मैगन गारो से फिस्ट फाइट करने लगता है और कहता है, ये मेरा काम है तुम्हें चेस करना, अगर तुम भागे स्टैमिना और अटलता के मामले में तुम मुझे नहीं हरा सकते, ऊपर से तुम घायल और पॉइजनड हो, तुम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। गारो को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। गारो अपने मन में कहता है, ऐसी हालत में मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, और अगर मैं सोचूं कि एरोज एंड बुलेट से बच जाऊँगा तो ये बेवकूफ़ी होगी। डेथ गैटलिंग कहता है, ये तुम्हारा आखिरी चांस है सैंड करने का। गारो हाँप रहा होता है।